everyone, assalamu alaikum. This is me, Abrika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So good morning, guys. मैं जल्दी जल्दी उठ के शावर मैंने लिया है, जल्दी जल्दी मेकअप भी करी और तैयार होकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ. पहले मैंने सोचा कि यार उठने के साथ ही व्लॉग बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तैयार होके ही डायरेक्ट आप लोगों से मिलेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिली हूँ. तो खैर अभी मैं जल्दी जल्दी अपने बाल जो है वो ड्राई करने हैं. यहाँ पे चल रहा है मेरा फेवरेट ड्रामा बेपनाह. जब से रिश्ता कहलाता खत्म हुआ मैंने दोबारा से बेपनाह देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें हर्षा चोपड़ा आता है, दैट्स व्हाई मम्मा को भी मैं दिखा रही हूँ. तो ये मस्त ड्रामा चल रहा है. आप लोग बताना है किस किस ने ये ड्रामा देखा. फॉर टुडे दिस इज माय फुल आउटफिट, और ये मामा का आउटफिट है, और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए. एक्चुअली आज हमारे इस होटल से चेकआउट है, अभी हम जा रहे हैं दूसरे होटल में, तो यही सीन है अभी फिलहाल. पोलो ने ना बचपन की याद दिला दी है. बचपन में हम पोलो खाते थे, फिर हमारे यहाँ आना ही बंद हो गई, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये पोलो उठाई, वो भी छुटकू सी. मम्मा ने बोला बड़ी ले लो, मैंने बोला नहीं मुझे छोटी ही चाहिए, क्योंकि ये छोटी ज़्यादा क्यूट लगी. तो हम लोग निकलने लगे हैं वहाँ पे, हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये रही सारा सामान जो है वो उसमें ट्रांसफ़र होगा, और फिर हम लोग जो है दूसरे होटल में जाके चेक इन करेंगे. लेट्स गो. आप तो मुझसे बात ही मत करें ना, मुझे नहीं दिखाना आपको. क्या हुआ, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा. ये रहे, आ जाएं, चलें, ब्लर हो जाएंगे आप. मैं खुद को ब्लर कर देती हूँ, आप पे फोकस कर देती हूँ. आपका फूल दिया हुआ मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ, जरा सा भी कहीं क्रैक नहीं आया फूल में. सो हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, और आज मैं बैठी हूँ आगे. मैंने मेरी बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी मैं आगे बैठू, लेकिन मैं बैठ नहीं पाती थी या मैं बैठना नहीं चाहती थी, आई डोंट नो, लेकिन आज मैंने कहा बैठ ही जाती हूँ, इसलिए मैं बैठ गई हूँ. बाकी दोनों लड़के पीछे हैं. जल तो नहीं रहे आप लोग मुझसे? जलेंगे यूं, मुंह पे क्या आप? क्या बोलते हैं आप? क्या बोल रहे हैं? जलेंगी क्यों, आप धूप है कोई. वेरी फनी हुसैन, जादू मामा. आपको आगे बैठना है? चले मैं ही बैठूंगी. हुसैन अब से जितने डेज हैं उनमें मैं ही आगे बैठूंगी. अब से हम गाड़ी में सफर ही नहीं करेंगे. क्यों? बैठेंगे. सैविज था, कोई नहीं, हमेशा सैविज मेरा होता है, आपका नहीं होता. सैंडविच होता है नहीं, आपका सैंडविच होता है, मेरा सैविज होता है. ओवर. अभी मैं सारा व्यू एंजॉय करूंगी. नहीं नहीं, आगे मजा आता है ना. अभी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करूंगी, मैं गाने लगाऊंगी, स्नैप्स बनाऊंगी. सब आपकी मर्जी से ही होगा. 26 मिनट्स में सब आपकी मर्जी से होगा, दिल खोल के. 26 मिनट्स है तो जल्दी जल्दी अब करना पड़ेगा. 13 मिनट है, रश होगा. अल्लाह करे रश हो. वे वे. नहीं नहीं रश ना हो. क्या रश होगा तो वो भर जाएगा. नहीं नहीं हम जल्दी पहुँच के हम 2 मिनट में हम पैदल उतर जाएंगे. ओह गॉड. हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं, हमारा दूसरा होटल है, तो दोनों जाएंगे अंदर. मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं आके बैठी तो, लेकिन कोई अच्छा व्यू ही नहीं आया. अब मुझे नेक्स्ट टाइम बैठना पड़ेगा, लोगों को पीछे बिठा के. अब ऐसे ही बैठते हैं क्या? नहीं, देखते हैं आगे होटल के अंदर. अब देखते हैं हमारा रूम कैसा होता है. अभी मैं अपना फूल और ये कैप भूलने वाली थी. What happened? So, ये रहा हमारा होटल अपार्टमेंट, और ये बहुत कूल है गाइज. पूरा ये पूरा लाउंज है, ये बेडरूम है, और बालकनी भी है. सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे ये है कि बालकनी भी है. वैसे थी नहीं हमारे पिछले होटल में बालकनी, यहाँ पे है. पूल का है, नीचे देखो इसी होटल का है. हुसैन नींद में मुतपिला है. हमारे साथ बहुत बैड सीन हो गया, वो ये कि मैं अभी आप लोगों को दिखाई थी बालकनी वाला पूरा रूम, पूरा घर टाइप वो लग रहा था, लेकिन वो हमारा नहीं था. हमारा ये है, और ये पूरा रूम होटल जैसा ही, और इसमें बालकनी भी नहीं है. मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि बालकनी होगी, अब तो बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन बालकनी है ही नहीं. बट खैर ये बहुत प्रिटी है, ये बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा वॉशिंग मशीन भी है. वाओ, मामा वॉशिंग मशीन. हुसैन के जितने मेरे कपड़े इसी में चले जाएंगे. एक ही सांस में बोलना जरूरी था क्या? ज्यादा फ्री नहीं हुआ. ये चिमनी भी है इधर. क्या है? चिमनी मामा, चिमनी है ना. हाँ
चिमनी। और ये क्या है? डिशवॉशर। अच्छा नहीं, डी फ्रीजर। फ्रीजर, ये फ्रीजर है, वो फ्रीजर है। नहीं, ये फ्रिज है, वो फ्रीजर है। ये फ्रीजर है, ठीक है। इसमें आइस भी है। चलो मिल गया भाई, 24 आवर्स इन फ्रीजर। आप ही सब कुछ हो गया। अभी हम लोग जाने लगे हैं बाहर गाइस। ये मैं आप लोगों को दिखा भी दूं। नाइस यार। कुछ हम अपना भूरिया बिस्तर लेके आए थे, मतलब ये दूध शूज। सैन फ्रीजर खोलने था यार। चलो यार अपने रूम में चलो, यहाँ पे तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जरीर अपने रूम में ज्यादा फ्री नहीं है। थोड़ा काम कर लिया तो क्या हो गया। और अपने रूम में बर्तन शर्तन सब खुद ही धोने होंगे, पर अपने जहन में बिठा रहे हैं। कोई नहीं आएगा ही नहीं हमारे रूम में, कुछ भी नहीं आएगा। हम लोग बाहर से खाएंगे और बाहर ही रखेंगे। और खाने जो है आपके कमरे में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम सब सामान राशन ले आते हैं। सबसे पहले अपने अंडे लेके आएंगे। मम्मा हाफ फ्राई एग बनाएंगे। ये सैन ये भी रख दे। नाश्ता भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा। चलो खाना एक ये भी रख दे। नाश्ता सही हो जाएगा, अंडे ले आएंगे। क्या दीदी, चलो लेट्स गो। और वो बाकी वो देख लो। मैं बस सही है, मैं चलने हैं। नहीं नमक वगैरह, अब राशन थोड़ी है, पतीलियां हैं। चेक तो कर लो ना। नहीं है, नमक काली में हर होटल में होती। खोलो, चलो भाई खोलो नमक काली में। नहीं, लाइट को क्या हो गया? अपने आप जल लिए। और टोस्टर भी है, मैं तो अपने लिए ब्रेड लेके आऊंगी। वो भी है और हुसैन रवि का। नहीं इसको रखो, शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है। ये मेरा फूल दे दो, ये आप ही नेट दे दो वापस। क्या हो गया, वापस हो रही है? ये किसका फोन देगी? जल्दी दो, किसका फोन देगी? इसको बोल दे सैन दे दे जल्दी से। ये लो, चल दे दे, निकलो दूसरा लेके आओ, दूसरा लेके आओ। इधर रखो पीछे। सैन में देखिए क्या कर रही है। इसको मैं पानी में ऐड कर रही हूँ ताकि ये फ्रेश फ्रेश रहे, मैं घर लेके जा सकूं। आप पता नहीं लेके जा सकूंगी क्या नहीं, वो आप लोग को आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। चल चुके हैं बाहर जाने की। फिर से हम निकल गए। हां ना, तो हम पहले निकले थे वहां से, अभी हम यहां से फिर निकल गए हैं। 13वीं फ्लोर पर मैं फेरा भी गिरती। बोलो क्या हो गया, कहां जा रहे हम? जो भी चले गए बोलो। क्या मैंने कुछ नहीं किया, ये ना एक्चुअली फॉरन लिफ्ट बंद हो रही है। अभी मैं फंस थी, अभी मैं फंस गई थी लिफ्ट में। नीचे उतर गया, मैं फंस गई। इतने टाइम बाद ना शूट के बाद, अब हम लोग ऐसे शाम के टाइम निकले हैं ना, रात रात ही होती, इतना लेट हो रहा था। मम्मा मम्मा कल और जल्दी उठना है हमें। लोकेशन भेजो बाबा को, कह रहे हैं सिटी सेंटर देख बता रहे हैं। ठीक है, बाबा को लोकेशन भेज देते हैं जल्दी से, बाबा बहुत ज़्यादा वरिड है। चल ये रे मम्मा, बाबा को भेज दिया लोकेशन। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वहाँ पे, और बाबा ने सारे इंतजाम भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। सो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव आवर बेस्ट फादर। मुझे ऐसे बहुत मज़ा आता है चलने में मम्मा। वैसे पैरों में इतना दर्द नहीं हो रहा होगा जितना आपके पैसा नहीं होता था। शुक्र है इतना चल रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। ऐसा ही होता है, मेरे भी इतना पैरों में दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ ना, आपके हुआ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए, वाओ नाइस क्लास। जब भी इंसान वाइट कपड़े पहनता है ना, उसको बड़ी टेंशन होती है कुछ उसके कपड़े पर गिर ना जाए, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप वाइट कपड़े पहनो और आपके कपड़े पर कुछ ना गिरे। मेरा पूरा ट्राउजर साफ था, और ये देखें पता नहीं कहाँ से कौन सी दिशा से आके जो है इस पर कुछ गिर गया और पूरा येलो हो गया। अभी मैंने पिक्चर भी नहीं ली है, आई होप कि आगे ना गिरे। कैसे खा रही है आपकी बेदिली से, मैं चेकूंगी कल। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग जाने लगे हैं मॉल ना, इतना बड़ा स्टेप था। हम लोग कहाँ जाने लगे? सिटी सेंटर मॉल है मम्मा जी, सिटी सेंटर मॉल। अभी यहाँ पे इतने सारे मॉल है, कल मम्मा को हम दुबई मॉल लेके गए थे, अभी हम सिटी सेंटर मॉल जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना, इतने आराम से, इतना सुकून, आराम से व्लॉग करो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एकदम मज़े वाला। हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर डेरा, जहाँ पे हमें आना था। आ जाए साथ में सारे, हम लोग पीछे ही रह गए। आ जाए जल्दी आ जाए। सैन और वो कहाँ है? अन्नू
वैसे तो मैं शीन से शॉपिंग करती हूँ, बट यहाँ से अगर मुझे कुछ अच्छा बहुत अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। तो भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या समझ आता है। आपको मैं सारा ब्रांड ज़रूर लेके जाऊंगी, यहाँ के कपड़े बहुत प्यारे होते हैं और मम्मा आपने देखे बाकी प्यारे ना, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। बट अभी ज़ारा पे ना ज़्यादातर तो सीक्वेंस वाले ड्रेसेस आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से सीक्वेंस वाले आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और चाहे आपके पास जितने भी सीक्वेंस वाले ड्रेसेस हों, आपको पसंद सीक्वेंस वाले ही ड्रेसेस आते हैं। क्या इस बात से लड़कियाँ रिलेट करती हैं? अगर करती हैं तो आगे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। भाई मुझे तो पसंद आते हैं, हालांकि मेरा तो फिर है जी कार्ड 4 इन साहब का PS5 लेने, और ये इतना एक्साइटेड है, इसको कब से लेने की चाहत थी और आज हम फाइनली आ गए हैं। तभी हम लोग देखेंगे कौन सा PS5 है, कौन सा लेना है, क्या मैं ले लूँगी 15 Pro Max, देखते हैं कैसा है। 14 अच्छा है या 15 अच्छा है? ये है 15 Pro, 15 Pro है, 15 Pro Max गायब है यहाँ से, आईफोन 15 प्लस या आईफोन 15। प्राइस देख रहे हैं, 5 9 साफ लगा रहे हैं, मम्मा इन लोगों की डिस्कशन चल रही है। सेवन माय गॉड, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, रियल सैंड। डू नॉट टच, अभी मैं टच करने वाली थी, मैं तो कर रहा था, मुझे बोल दिया लो, गजब बेइज्जती। अनदर वर्ल्ड, मतलब यार ये बिल्कुल ही अलग है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, क्यूट। मैं यहाँ पे अपने नूडल्स देख लूँ, पिछली दफ़ा मैं लेके गई थी वो बहुत अच्छे थे, मैंने इसका चैलेंज भी किया था, लेकिन इस दफ़ा भी मैं देख लूँ मुझे वो मिल जाए तो फिर मैं लेके चली जाऊँ। आई गेस ये वाला था जरी, जरी जिसका आपने चैलेंज किया था, कौन सा था? लेकिन मुझे चैलेंज हमने किया था वो कहाँ है? अरे वो जो मैं दुबई से लेके आई थी, ये थी ब्लैक वाली। नहीं नहीं ये नहीं था, यही थी, नहीं बुलडक का नहीं था, आई गेस ये था। चलो देखते हैं, अभी ढूंढते हैं, वीडियो में निकाल के फिर ले लेंगे। नूडल्स वगैरह मैंने अपने फेवरेट वाले ले लिए, फाइनली मुझे मिल गए हैं। बाकी मैं यहाँ पे अपने फेवरेट चॉकलेट क्रोसॉन्ट ले रही हूँ, सारे अलग 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 है, तो मैं ये वाला उठाऊँ। यहाँ पर जो हम लोग लस्सियाँ ले रहे हैं, कुछ फ्लेवर वाले मिल्क ले रहे हैं, क्योंकि जो हमने पहले लिए थे वो ख़त्म हो गए, तभी हम दोबारा ले रहे हैं नाश्ते का सामान। तो हमारे कहा सैंडविचेस वगैरह देख लो, अभी मम्मा जो है वो देख रही हैं, आप देखो क्या पसंद आता है। मम्मा वैसे छोले वाले मत लीजिएगा, मम्मा देख रही हैं कि कौन से छोले मैं भी घर में ऐसे बनाती हूँ क्या नहीं। चलिए मम्मा देख ले आपको जो पसंद आ रहा है। ओ ये ले लेती मम्मा, ये अनार ले लेते, मैं कब से अनार के, हाँ तो बड़ा वाला ही छोटा वाला, मीठे होंगे ना, लाल है तो मीठे ही होंगे, ऐसे खट्टे चूना निकले मम्मा, खट्टे चूना ना निकले, खट्टे चूना ना निकले, नहीं मुझे नहीं लगता मीठे होंगे। अपने मतलब की चीज पे ही रुकते हैं आके, तो नहीं क्या देख रहे हैं आप, उनकी अपनी ही बातें चल रही हैं, और यहाँ पे हमने ले लिए हैं चीजें, क्या पानी, ये खाने में पानी डलता है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये प्याज का पानी मतलब है का। अभी आपके मतलब का। चाहिए तो ले लो, आपके मतलब का। नहीं मैंने अनार ले लूँ, ये मेरे मतलब का नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट आप ऐसा कर सकते हो, सूखा रहना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलो लेट्स गो। पिंक शीट के लिए हम एक कोने से दूसरे कोने गए थे, और लिटरली इतना बिग डिफरेंस है ना दरमियान में,
तो मैं आपको क्या बताऊँ, उफ थक गए, कोल्ड ड्रिंक देनी है आज पूरा। चलिए चलिए हम लेके आ रहे हैं। उफ सो टायर्ड गाइस। सारा सामान यहाँ पे रखते हैं। कोई आधा घंटा में खड़ा हुआ था और ये अब आए हैं। हेलो सर, बहुत लंबा रास्ता था। हाँ, ये रैपिंग शीट का पूछ ले। सैन में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत ही ख्याल रखने की सलाहियत है माशाल्लाह। यहाँ पे सामान जो है हमारा पैक हो चुका है। मैंने कहा कि मैं पकड़ लेती हूँ, लेकिन सैन ने कहा नो, मैं ही पकड़ूँगा। अब मम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ाना, क्योंकि मम्मा ऑलरेडी बहुत चल चुकी हैं। बैग भी दे दो अपना। मेरा बैग भी रख दो यार प्लीज़। मम्मा अपना बैग भी दे दें प्लीज़। बैग दे दे। हम लोग आए हैं शूज़ वगैरह लेने, वो भी स्केचर्स के। मामा के लिए ये पसंद आया था। मामा पहन के देखें कि अच्छा है। देखें अगर ये साइज़ नहीं आया तो 40 देख लूँगी। चला गया तो अच्छा, क्योंकि पिंक का केस ऑलरेडी है ना, पर्पल ले लें, पर्पल ज़्यादा बेटर है। अभी मैं अपना भी देखूँगी। 2000 years later. फाइनली बहुत सारी शॉपिंग कर ली और पूरे हमने 2 घंटे लगाए हैं इस वाली आउटलेट में, पता नहीं क्या क्या ढूंढने में। और नीचे हुसैन और जरीर जो है वो खड़े हुए हैं, अभी जाकर उनके रिएक्शन देखेंगे क्या सीन है। अभी ये लोग जो हैं ऊपर आ रहे हैं और उनका रिएक्शन हम देखेंगे, ये लोग क्या कहते हैं। आ जाएं जल्दी जल्दी, बोला था बैठ जाए, बोला था। और गुस्से में शक्ल है इनकी तो खास तौर पे। जी हुसैन आपको नहीं पता लड़कियों को टाइम लगता है? नहीं पता है, बताएं। इतना टाइम लगता है तो होटल में अच्छी नहीं थी। आराम से आके शॉपिंग करती है, आराम से आती। यहाँ पे हम लोग फिर आ गए सेंटर पॉइंट और यहाँ पे हमें फिर ड्रेसेस पसंद आ गई। मतलब लड़कियों का यही होता है, कहीं भी जाती है फॉरन गर्ल्स सेक्शन में आती हैं, अपने ड्रेसेस देखती हैं और लड़के बेचारे घूमते देखते हैं, उठा लेते जो चाहिए होता है। लड़कियों का लेकिन ऐसा ही होता है। पिछली दफा बाबा के साथ आई थी, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। अभी मम्मा के साथ आई हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी शॉपिंग, क्या ही बताएं गाइस, सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि खाना खाए हमें बहुत घंटे को देगा। हम इतना चले कि सारा खाना जो है बहुत जमा चुका है। मुझे याद है बाबा साथ हम लोग यहाँ पे आए थे, पापा जॉन का हमने पिज्ज़ा खाया था। उसमें हमारे साथ हमारी एक इंडियन फ्रेंड थी, उसने जो है वो पनीर पिज्ज़ा मंगवाया था, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। तो वो पिज्ज़ा भी अच्छा था, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम बाद पिज्ज़ा खाएंगे। हमारे पाकिस्तान में तो पिज्ज़ा हट बंद हो चुका है, तो अब यहाँ ही हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मम्मा आप एक्साइटेड है? आप एक्साइटेड है वो ट्रेन पिज्जा खाने के लिए? ट्रेन पिज्जा मिलता है यहाँ? यस, पिज्जा हट है ना हमारे बंद दुबई में। पिज्जा हट जो है वो बंद हो चुका है, अब हम पिज्जा नहीं खा सकते, जिसके लिए हमें इतनी मशक्कत की, इतनी मेहनत की, पिज्जा खाएंगे, इतनी एक्साइटमेंट थी हमारे दिलों में, फिर हम नहीं खा पा रहे। अब हुसैन की शक्ल आप देख सकते हैं कि उदास हो गए हैं बेचारे। इतना चले इतना वेट किया, मुझे बड़ा फील भी हो रहा है। बट आपको पता, लड़कियों को इतना ही टाइम लगता है, क्या करें। आप पता चल गया। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर करने आए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या ऑर्डर करते हैं। फाइनली द फूड इज हियर गाइस। तो मैं ये पीऊंगी। सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन थे, KFC था और एक ये था, इसलिए हमने टेक्सास बर्गर को जो है वो चूज किया। टेक्सास चिकन बेसिकली। वी आर गोइंग बैक टू होटल गाइस। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। जल्दी जाकर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए अल्लाह हाफिज़। इनकी सुन लो भाई, इनकी ही सुन लें आप लोग सब। बहुत लंबी हो गई, मुझे लग रहा आज भी ब्लॉग में लगती है प्यारी बड़ी। कौन उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं।
खींची तो मैं कमेंट में शर्मा किसके लिए गा रहे हैं ये इन्होंने पहले इशारा कर दिया किसी के लिए गा नहीं सकते खैर खैर गाइस कीप सपोर्टिंग कीप लविंग लॉट्स ऑफ लव टेक केयर बाय।